आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर नैनीताल से है। नैनीताल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला को प्रोविजन ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर इन माउंटेन्स नाम दिया गया है। इसमें 22 प्रदेशों के 110 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस कार्यशाला में नदी नालों को किस तरह संरक्षित किया जाए इस पर चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस द्वारा किए गए लालटेन से विकास ढूंढो कार्यक्रम पर कटाक्ष भी किया गया। कांग्रेस लालटेन से विकास ढूंढने गई थी, हरीश रावत जी को ढूंढने गई थी। ये एक तो रिसर्च का विषय ये है, लेकिन ये जरूर है कि उनको हरीश रावत जी मिल गए हैं। डेवलपमेंट की जहां तक बात है, विकास की जहां तक बात है, तो हमने राज्य के सरकार के 3 साल हो रहे हैं 18 मार्च को। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देहरादून में आयकर अपीलीय अधिकरण की देहरादून सर्किट बेंच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तराखंड पोस्टल सर्किल द्वारा तैयार की गई विशेष एल्बम का भी अनावरण किया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ITAT सर्किट बेंच की स्थापना को राज्य हित में बताते हुए इसे आयकर अपीलार्थियों और अधिवक्ताओं के व्यापक हित में बताया। उन्होंने इस अवसर पर जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा की। देखिए, इस देश को चलाने के 2 रास्ते हैं। देश ईमानदारी से चले, देश के लोग ईमानदारी से टैक्स दें और उस टैक्स से सड़कें बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, और बाकी प्राइवेट पूंजी निवेश भी खूब हो ताकि देश का विकास हो। अब आप देखिए, जिस समय हमारी सरकार आई थी 14 में, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11th थी, 11। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ये बात विदेशी पूंजी निवेश, आज दुनिया का हाईएस्ट पूंजी निवेश भारत में हुआ है, और इस बार जो पूंजी निवेश हुआ है वो 6% अधिक है FDI पिछले साल की। ITAT देहरादून सर्किट बेंच का शुभारंभ करने के लिए जैसे ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद होटल में पहुंचे, उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे। साथ ही कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी साथ में मौजूद रहे। लेकिन जब दोनों मंत्रियों को मंच पर नहीं बैठाया गया तो इससे नाराज होकर दोनों मंत्री मदन कौशिक और धन सिंह रावत वहां से चले गए, जिसकी कमी कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी खली। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन सुनवाई के निर्देश को मंत्रियों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री का ये निर्देश स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि अधिकांश समय सभी मंत्री विधानसभा में बैठते आए हैं, जिसके चलते मंत्री जन सुनवाई में नहीं पहुंच पाए हैं, जिसे हम ध्यान में रखेंगे और CM के इस निर्देश का सभी मंत्री पालन करेंगे। वैसे सभी अधिकांश मंत्री बैठते आए हैं, पहले से बैठते ही हैं, पीछे कुछ जो चुनाव ना आने की वजह से थोड़ी सी व्यक्तित्व हम लोग सामने तो कठिनाई आई, हम लोग कम बैठ पाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा काम है। क्योंकि हम लोग प्रदेश की व्यवस्था के लिए हम लोग चुने हुए हैं और प्रदेश के कोने कोने से लोग आते हैं और 2-3 विभाग के काम होते हैं, तो ऐसे टाइम में एक मंत्री जी मिले, एक विभाग के सचिव मिले, दूसरे विभाग के मंत्री सचिव ना मिल पाए, तो निश्चित यह दुर्गम क्षेत्र का प्रदेश है और कोने कोने से लोग आते हैं तो उनको मायूस होकर जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह है। और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी के निर्देश का 100% पालन किया जाएगा और ये अच्छा निर्देश है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने देहरादून में सूचना एवं तकनीक वर्चुअल क्लास के जरिए उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों से सीधा संवाद किया। इस दरमियान उन्होंने विद्यार्थियों के अलग अलग प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के गुर सिखाए। साथ ही उन्होंने छात्राओं से परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के तनाव में न रहने की भी सलाह दी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट डे में बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद। सर, वर्चुअल क्लास के जरिए आपने आज बच्चों से संवाद किया है, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ खास रहा सर? विद्यालय शिक्षा में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, निश्चित ही मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभावग्रस्त बच्चे हैं,
और इनका हौसला अफजाई करना सरकार का दायित्व बनता है। और ठीक एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आज हमने बच्चों से बात की और उन बच्चों को कहीं ना कहीं उनको हौसला बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है। और जो हमारे महापुरुष हैं उनके जीवन में कुछ सफलताएँ हुई होंगी तो कुछ विफलताएँ हुई होंगी, तो बच्चों को हमने ये कहा अपने माध्यम से कहने की मैंने कोशिश की है कि बेटा जीवन में जो आज आप हैं हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे, आपको आगे बढ़ना है। और अब जीवन की कोई एक एग्ज़ाम जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक आप किसी मुकाम को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जीवन में आपके बहुत से प्रतियोगिताएँ आते रहेंगी। इसलिए किसी प्रतियोगिता पर बोझ नहीं लेना और प्रतियोगिता में एक प्रतियोगिता में सफलता या असफलता यह जीवन का मापदंड नहीं हो सकते, जीवन में कई प्रतियोगिताएँ मिलेंगी। इसलिए हमारे जो महापुरुष हैं उनके जीवन में कई सफलता मिली होंगी, कई असफलताएँ मिली होंगी, उस इतिहास को पढ़ के हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और बच्चों को हमने शुभकामना दी और पुनः नए सत्र में अप्रैल में बच्चों से दोबारा मिलने का मैंने कमिटमेंट किया है। बच्चों को गुरु मंत्र दिया है आपने, और क्या क्या कुछ खास रहा बच्चों से बात करके, क्या कुछ जान पड़ा कि क्योंकि जिस तरह से बच्चे आजकल आप देख भी रहे होंगे थोड़ा टेंस भी रहते हैं, तो उस तरह की किस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई? नहीं, बच्चों को गुरु ज्ञान तो मैंने नहीं दिया, मैंने अपना अनुभव साझा किया। इसलिए बच्चों के साथ बैठना मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं भी अभाव से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। और मैं जब विद्यालय शिक्षा के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं उनकी शक्ल में मुझको अपनी तस्वीर नज़र आती है। इस नाते मैंने बच्चों से बात की और इससे कई चीज़ें सीखने को मिलता है। आज हम व्यवस्था में हैं, इस व्यवस्था को संभालना हमारी जिम्मेदारी है, तो निश्चित ही जाने अनजाने में कुछ कमियाँ भी हम लोगों से छूट जाती हैं। तो कई जगह बच्चों ने कहा कि सर हमारे यहाँ अध्यापक नहीं है, कई जगह कुछ फर्नीचर की दिक्कत आई, तो मैंने उसको बड़े मन के साथ स्वीकार किया और मैंने उनसे कमिटमेंट किया कि बेटा आज से पहले जो बच्चे थे अगर जो वह कई स्कूलों में शिक्षक विहीन रहते हुए उन्होंने पढ़ाई की तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चों के साथ पहले नुकसान हो चुका है आने वाले टाइम में जो बच्चे आज हैं या आने वाले टाइम में जो हैं उन बच्चों को इस व्यवस्था से नहीं गुजरने देंगे। और जिसके तहत हमने काम भी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको निर्देश दिया कि गेस्ट फैकल्टी को बहाल किया जाए और हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन किया जाए, कोई ऐसा स्कूल ना बचे जो अध्यापक विहीन हो। जो नुकसान पहले बच्चों का हो चुका है वो आगे नहीं होना चाहिए, इस कड़ी में हमने कदम भी उठाया और मैंने बच्चों को आश्वासन भी दिया है कि कोई ऐसा स्कूल नहीं बचेगा जहाँ अध्यापक ना हो और विषयवार अध्यापक हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, फर्स्ट निजान छोटे भाई धन्यवाद। तो अरविंद पांडे जी हमारे साथ हैं जिन्होंने आज वर्चुअल क्लास के माध्यम से बोर्ड के जो छात्र हैं उनको अपने जो विचार हैं वो साझा किए हैं और उनको एक गाइड भी किया है। कैमरा पर्सन आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, फर्स्ट इंडिया, देहरादून। देहरादून में दिल्ली हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के लिए मुस्लिम महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। ये महिलाएं पिछले 30 दिनों से CAA के खिलाफ धरने पर बैठी हैं। इन महिलाओं का कहना है कि वो इसी देश के वासी हैं, इस तरह दंगा फसाद करके सवालों का हल नहीं निकल सकेगा। महिलाओं का मानना है कि वो सब शांतिपूर्ण तरीके से CAA के विरोध में बैठी हुई हैं ताकि ये कानून सरकार वापस ले। मेरा नाम शाजिया है, मैं देहरादून की रहने वाली हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ जो ये दंगे फसाद हो रहे हैं गलत अपने दिमागों से लगा के कि झंडा फहराया जा रहा है गलत धार्मिक स्थलों से, क्या दोहराना चाह रहे हैं वो लोग, क्या बताना चाह रहे हैं हमें कि क्या करेंगे हम। नैनीताल हाईकोर्ट ने वित्त विकास निगम द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए स्वीकृत योजनाओं के करोड़ों रुपए को बैंक में जमा करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और कैग से ऑडिट कर शपथ पत्र पेश करने को कहा है। बता दें कि हल्द्वानी निवासी चंद्रशेखर करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड वित्त विकास निगम की 2001 में स्थापना हुई जिसका उद्देश्य गरीब निर्धन वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अनुदान स्वरूप ऋण देना है। इस मद में निगम के पास करोड़ों रुपए है लेकिन निगम ने ये राशि गरीबों को देने के बजाय बैंक में जमा कर दी है जिसके ब्याज का दुरुपयोग हो रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चलती हैं वेलफेयर के लिए, SC ST और गरीबों के लिए, उसमें फंड्स एलोकेट होता है, उसको डिपार्टमेंट जो है कार्रवाई ना करके पूरे फंड को फिक्स डिपॉजिट में जमा कर रहा था और उस फिक्स डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट आ रहा था उसको जो वित्त विकास निगम है उसके अधिकारी कर्मचारी अपने पर्सनल यूज़ के लिए और मंत्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग में कर ले रहे थे, उसके खिलाफ हमारी याचिका थी और आज सुनवाई हुई। सुनवाई पे माननीय न्यायालय ने कैग को डायरेक्शन दिया है कि वो 2 सप्ताह के अंतर्गत ये अवगत कराएं कि वर्ष 2009 से लेके
2008-09 फाइनेंस ईयर से लेके आज तक जो है कोई भी ऑडिट क्यों नहीं किया गया, और जो ऑडिटर्स उन्होंने अपॉइंट किए हैं उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाई प्रपोज कर रहे हैं अपनी अपना जो है परफॉर्म ना करने के लिए अपनी ड्यूटी। समाज कल्याण अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष फकीर राम टमटा ने बेरीनाग में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और इस खास मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उपाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। फकीर राम टमटा ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान भी किया। यहाँ पे एक हमारा कर्मचारी होगा, वो उनके फॉर्म भरेगा और विधिवत उस कार्यक्रम को हम लागू करें रखेंगे, जारी रखेंगे और अपने हाथ से ही हम जिले में ले जाकर। आईआईटी रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 3 दिवसीय रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का समापन हुआ। इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण और जल संसाधन के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा और समाधान खोजे गए। वही कार्यक्रम में 25 विदेशी विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। अभी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया अगर हम लोग फेस कर रहे हैं तो जैसे हो रहा है कि जैसे बहुत सारे में होता है, जैसे लोकल कम्युनिटी है जहाँ पानी का प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए अभी जैसे जापान में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो लगा रहे हैं ताकि उससे लोगों को बिजली मिल पाए, लोग उससे एग्रीकल्चर कर पाए और वो जो एग्रीकल्चर में पानी यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे सेव किया जाए, वैसी टेक्नोलॉजी बहुत सारी है वर्ल्ड में, उनसे एक्सपीरियंस लेके इस तरीके का कॉन्क्लेव करा कर यहाँ हमें एक्सपीरियंस मिलेगा और उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे हम बैठे हुए हैं पे अपने आप हो जाएगा वो नहीं होगा। अब देखिए सैनिटेशन नहीं है हमारे पास, सॉलिड वेस्ट ऑल ओवर देयर, एयर क्वालिटी ठीक नहीं हो रही है, तो क्या उन हालात में रहना चाहेंगे? ठीक है, खाना मिल भी गया, हवा ही साफ़ नहीं है तो क्या करेंगे? एक बात मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इस कंट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्ली सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट एग्जिस्ट इन इंडिया, उसको यूटिलाइज करिए तो ठीक है ना, एवरीथिंग विल बी फाइन। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे और खानपुर दल्ला वाला मार्ग का निर्माण अब मार्च के अंत तक पूरा हो जाएगा। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का दावा है कि दोनों मार्गों के लिए 60 करोड़ की राशि स्वीकृत कराई गई है, जिससे जल्द ही निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये उनके द्वारा किया गया संघर्ष है और पूरे क्षेत्र की जनता की जीत है। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी ने मेरे कहने से दोनों सड़कों की मुख्यमंत्री घोषणा कर दी थी। बात दीगर है कि विलंब हुआ सीआरएफ में उनको जाने में, केंद्रीय सड़क निधि से जो फंड आया आचार संहिता हो गई। देहरादून में जन संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कृषि मंत्री रहते हुए वर्ष 2010 में थैचा बीज घोटाले का मामला सामने आया था, लेकिन उन्होंने सत्ता में आते ही पूरे मामले को अपने पक्ष में कर लिया है। उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जांच आयोग की रिपोर्ट में साफ है कि कृषि मंत्री रहते हुए उस वक्त भ्रष्टाचार हुआ था। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SLP खारिज की गई है, लेकिन वो कोर्ट में फिर से रिव्यू में जाएंगे। दरअसल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी SLP खारिज की, उस मामले को लेकर के अभी बहुत जल्दी रिव्यू में जाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला आपको पता है कि जो ढेंचा बीज घोटाला वर्ष 2010 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब कृषि मंत्री थे उस समय उन्होंने और उनकी टीम ने घोटाले को अंजाम दिया था और उसके मामले को लेकर के त्रिपाठी जाँच आयोग का गठन हुआ था। त्रिपाठी जाँच आयोग ने इनको 3 बिंदुओं पर दोषी पाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबर नैनीताल से। नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के चितई गोलजू मंदिर में चल रही अनियमितताओं पर पुजारियों को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा से एक सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ में हुई। गोलजू चितई मंदिर जो है उसमें एक ही दो परिवार के लोग उसको संचालित कर रहे हैं और जो पब्लिक का पैसा आ रहा है वो पर्सनल यूज के लिए ला रहे हैं, जबकि पब्लिक का पैसा मंदिर के यूटिलाइजेशन के लिए होना चाहिए। आपकी क्या मांग? मेरी मांग है कि या तो ट्रस्ट बनाया जाए
या गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लिया जाए, पब्लिक मनी का यूटिलाइजेशन पब्लिक के लिए। लक्सर में मेटाडोर और ई रिक्शा चालक ओवरलोड सवारियों को बैठाकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ 6 सवारी 5 ऑटो और रिक्शा में करीब 20 से अधिक सवारियों को बैठाया जा रहा है, जिससे हादसे की संभावना लगातार बनी रहती है। मामले को लेकर जब उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा रूटीन में चेकिंग लगातार की जा रही है, अगर ऐसी शिकायतें पाई जाती हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोडिंग है या जो इलीगल रूप से वाहन चल रहे हैं तो उसमें जॉइंट चेकिंग तो सीओ के साथ की जा रही है, और परसों भी रूटीन में कुछ ऑटो वगैरह की चेकिंग की गई थी, तो सभी को डायरेक्शन भी दे दिए गए हैं कि जो अकॉर्डिंग टू एक्ट के अनुसार है उसके अनुसार ही अपने वाहनों में एक सवारी इत्यादि बैठाएं। बाकी इसकी रूटीन चेकिंग की जा रही है, पुलिसकर्मियों को भी डायरेक्शन दिए गए हैं, और जो हेलमेट इत्यादि का भी यूज़ करना है उससे खिलाफ भी प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है, और बाकी आगामी दोबारा इसमें बैठक इत्यादि करके पुनः इसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली करवाया जाएगा। वाहन जो चल रहे हैं ये धड़ल्ले चल रहे हैं, सरकार या प्रशासन कोई इन पर नकेल नहीं घेर रहा है, ये मौत का सामान लेकर चल रहे हैं, और सुबह का टाइम जिस टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम इतना खतरनाक जो हादसा हुआ, इस हादसे की वजह से कई बच्चे बच गए और अब तक किसी के आदमी को नहीं सड़क पे खड़ा। नैनीताल हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की, और हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव से 13 जिलों में अभी तक अतिक्रमण करके बनाए गए सभी धार्मिक स्थलों की लिस्ट मांगी और एक सप्ताह में लिस्ट को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने लिस्ट पेश नहीं करने पर चीफ सेक्रेटरी को 4 मार्च को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बात भी कही है। उत्तराखंड में सितंबर 2017 में संपन्न हुई जेई भर्ती में चयन होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सिफारिश पर भर्ती निरस्त कर दी गई थी, जिसे लेकर 250 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि भर्ती को सिर्फ संदेह के आधार पर कैसे निरस्त किया जा सकता है। मामले को लेकर छात्र नेता रविंद्र जुगरान ने चयनित अभ्यर्थियों के साथ प्रेस वार्ता की, और जुगरान का कहना है कि एक और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले पर धांधली सामने आई है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, लेकिन भर्ती घोटाला उजागर होने के बाद भी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को निरस्त नहीं किया गया। जांच के बाद उसमें कोई भी सबूत नहीं पाया गया, सिर्फ संदेह व्यक्त किया गया कि एक इंस्टीट्यूट से छात्र सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं। उसके बाद इस भर्ती को आयोग द्वारा कैंसिल करने के लिए काउंटर एफिडेविट जो है कोर्ट में सबमिट किया गया, जिस पे जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट भी पार्टी बने। उसके बाद मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें एनर्जी सेक्रेटरी को निर्देशित किया कि इस भर्ती का जो है एग्जामिन करे और फैसला दे। आपके प्रवेश पत्र से मिलान नहीं किया परीक्षा केंद्रों में, मोबाइल अंदर ले जाने की स्वीकृति थी, बायोमेट्रिक जो पहले हो जाना चाहिए था परीक्षा शुरू होने से पहले वो परीक्षा के बाद हो रहा है, तमाम अव्यवस्थाओं प्रमाणों सबूतों तथ्यों के बावजूद भी फॉरेस्ट भर्ती परीक्षा में फॉरेस्ट गार्ड में सरकार उसको निरस्त नहीं कर रही, जहां प्रमाण हैं सबूत हैं तथ्य हैं, लेकिन बिना आधार के बिना सबूत के केवल संदेह के आधार पर 250 चयनित सेलेक्टेड हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की भर्ती निरस्त कर दी। उत्तराखंड के लक्सर में एसडीएम ने खनन अधिकारी और राजस्व टीम के साथ मिलकर 3 स्टोन क्रेशर में मानकों की जांच की, जिसमें तीनों ही स्टोन क्रेशर मानकों पर खरे नहीं उतरे, इनके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर शासन को दी जाएगी। इस कार्रवाई से स्टोन क्रेशर मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है, ये कार्रवाई अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। हरिद्वार के खनन अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि सभी स्टोन क्रेशर की जांच हर हाल में होगी, ये माननीय न्यायालय का आदेश है। जो जांच हो रही है, एक त्रिलोक चंद बनाम स्टेट है, एक उनके रिट है, उसके संबंध में जो है जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी स्टोन क्रेशर हैं ये मानकों के अनुसार लगाए गए हैं अथवा नहीं है, या इस समय जो नीति है 2016 की वो उसके मानक पूरे करते हैं अथवा नहीं करते हैं। उसके साथ में मौके पर जितना माल है कच्चा माल और ये फिनिश्ड गुड्स उसकी भी जो है उसकी नापजोक करनी है। सर अभी तक कितने स्टोन क्रेशर जो अभी इसमें हमके 3 स्टोन क्रेशर की जांच कर ली है, बाकी आगे अभी जारी है। शासन के जैसे डायरेक्शन है, एक टीम गठित गई है जिसमें कि एसडीएम के अध्यक्षता में उसमें पॉल्यूशन ऑफिसर भी है और माइनिंग है, तो एक जॉइंट टीम बनाई गई है। उसके द्वारा ये देखा गया कि जो स्टोन क्रेशर एस्टेब्लिश किए गए हैं
तो उसकी जो गाइडलाइन है और जो मानक है उसको प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो उसी के लेकर सारी चीज़ें चेक की जा रही है और जो भी चीज़ें हैं उसकी प्रॉपर जिन बिंदुओं पर शासन द्वारा रिपोर्ट चाही गई है और DM साहब के द्वारा उसको तैयार करके विजन जितने भी स्टोन मेजर हमको दिए गए उसको चेक करके रिपोर्ट पेश की। सर करने का मेन मुद्दा ये है कि भाई जितने भी स्टोन क्रेशर यहाँ पे हैं वो मानकों के आधार पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं उसकी वो जांच हो रही है। उनके मानक पूरे हैं नहीं है क्या सर? किसी क्रेशर में कोई खामियां मिली है? अभी तो चेक हो रहा है, दो तीन किए गए हैं, उसके बाद जाँच करने के बाद बता दिया जाएगा अभी तो। और इसी के साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।